वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वेस्ट 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे और 30-31 वाले तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि बाकी लोग तो आराम से बैठ गए होंगे क्योंकि उनको पता है उनका एग्ज़ाम हो चुका। चाहे कैसा भी हुआ लेकिन एक तरह से टेंशन सर से दूर हो गई है ना। बाकी 30-31 वालों, आज 30 वालों का एडमिट कार्ड आ भी गया होगा तो आप सभी अपना एडमिट कार्ड देख लें, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी करते रहें। देखिए, हौसला रखना चाहिए, हौसला होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने का, तभी वो चीज़ मिलती है। अगर आप भी मतलब आप लोगों ने 6 महीने, थोड़ी सी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने ये इंतज़ार किया कि जब डेट आ जाएगी तभी हम तैयारी करेंगे, ठीक है। मैं सही कह रही हूँ ना, कुछ बच्चे ऐसे ही थे, बाकी कुछ बच्चे ऐसे थे तो दिन रात लगे रहे, तो आज उनका पेपर बहुत अच्छा होगा क्योंकि 6 महीने की तैयारी कहीं ना कहीं काम तो आती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी 30-31 वालों, आप लोगों के लिए मैराथन लेके आई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से एक बार फिर से टेस्ट की तरह ये कर सको और कुछ चीज़ें डाउट में हो तो वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और कल भी मैंने एक वो दी थी आपको रचनाओं की क्लास, तो वो रचनाएं ज़रूर देख लें आप लोग, ठीक है। बाकी अब मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आएगी आज, तो वो भी देख लीजिएगा, मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। स्वतंत्र तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वतंत्र तंत्र स्वर तंत्रियों के आधार पर तो दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में? दो भागों में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। कल थोड़ा क्लास नहीं ला पाए क्योंकि कल जन्माष्टमी थी, थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी का शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? भाई का के बाद का क्या आता है बताइए, तो का के बाद क्या आता है? छ, का प्लस छ, ये आता है ना, ठीक है, इस तरह से है ना, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उस क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। मतलब ये कह रहे हैं प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। भाई तो मैं कहूँ संधि विच्छेद नहीं हो सकता, क्या होगा आपका? वर्ण विच्छेद। जैसे कि मैंने लिखा कोई भी शब्द लिखा, ठीक है, जैसे भी कोई भी शब्द लिखा आपने, है ना, तो उसको अलग अलग करना। जैसे मैंने लिखा सभी लिखा, चलो सभी ले लीजिए, इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे? स प्लस आ, इस तरह से प्लस भा प्लस बड़ी ई, इस तरह से तो अलग करेंगे। तो सभी वर्णों को अलग अलग करना क्या कहला जाता है? वर्ण विच्छेद कहला जाता है, संधि विच्छेद नहीं कहलाता, ठीक है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, ठीक है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। चलिए आगे, हिंदी वर्णमाला में छ से डा तक ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? छ से डा के बीच में बताइए कौन सा है, बताइए। छ छ झ झ ढ ढ यहाँ, ठीक है, यहाँ ढ कौन सा है? यहाँ, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, छ, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यंजक पार्श्विक है? पार्श्विक कौन सा होता है? तो पार्श्विक होता है सी, यानी कि ला आपका कैसा होता है? पार्श्विक होता है, याद रखना, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला, ठीक है, ला कैसा होता है? पार्श्विक, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चारण की दुरुस्ती से संभल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संभल कौन सा वर्गीकरण है? सो संप्रक्त ध्वनि, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है लेकिन देख लीजिए एक बार बस, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, च झ च छ ज झ उदाहरण है, किसके उदाहरण है मैन बताइए? तो इस किसके हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? भाई पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं ये पूछा है, बताइए। तो बताइए, आपको वैसे दो दिख रहे होंगे, पा और छा, यही तो दिख रहे होंगे, लेकिन हैं कितने बताइए, है ना, ठीक है, तो कितने हैं आपके? तीन हैं, कितने हैं? तीन। कितने व्यंजन वर्ण है? तीन व्यंजन वर्ण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं बताइए? तो वर्णों के दो भेद होते हैं, ठीक है, स्वर व्यंजन, ठीक है, स्वर व्यंजन। चलिए आगे, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है? अभी बताया था, का के बाद आता है, ठीक है, का के बाद आता है। चलिए, कौन से शब्द रा व्यंजन नहीं है? जो रा व्यंजन है वो कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है, कौन से में नहीं है रा? देखिए,
देखिए, मात्र में है, क्रम में है, मूर्धन्य में है, ठीक है, मूर्धन्य, लेकिन मातृभूमि, मात्र त्र में, तो ठीक है, इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए, वैसे एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है, व्यंजन कौन सा नहीं है, देखिए ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, वो आपका व्यंजन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, तो देखिए पोल के देख लिए, पा बा मा ता कैसी है, दंत, ठीक है, कैसी है, दंत, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। चलिए आगे, शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं, द्वित्व किस में व्यंजन, द्वित्व का मतलब होता है डबल, है ना, तो किस में है, दिल्ली में है भाई, दिल्ली, है ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो सबको पता है 52 होती है, ठीक है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो सबको पता है 33 व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो शा श श है, चार होते हैं उसमें व्यंजन, चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं, तो केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अघोष कहते हैं, ठीक है, अघोष कहते हैं। यह अलावा मैंने अभी बता दिया आपको कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा पच्च स्वर है, पच्च स्वर कौन सा, आ कैसा है, पच्च स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ब्राह्म चिन्ह देखते हैं, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है भाई, तो ये योजक चिन्ह है, सभी को पता है ये वाला कौन सा होता है, योजक चिन्ह, ब्राह्म चिन्ह पूछे जाने में से कौन सा अल्पविराम है, बताइए अल्पविराम कौन सा है, तो कॉमा को क्या कहते हैं, अल्पविराम कहते हैं, ये कौन सा है, फुल स्टॉप होता है ना, फुल, ठीक है, ये क्या है आपका, अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम है, ठीक है। चलिए, अल्प, अब देखो एक बार इसमें मिलाना है तो आप मिला दीजिए, अल्पविराम कौन सा है, तो कॉमा हो गया अल्पविराम, विस्मादी बोधक ये हो गया, अर्धविराम ये हो गया, निर्देशक चिन्ह कहाँ हो गया, निर्देश चिन्ह, अच्छा निर्देशक नहीं, ठीक है, तो इसी निर्देश चिन्ह कौन सा है, तो आंसर क्या हो गया इसका, बताइए कैसा हो गया, क्या हो गया, बी, ठीक है, बी इसका आंसर हो गया, यानी कि निर्देश चिन्ह है, कौन सा है निर्देश चिन्ह, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्पविराम योजक चिन्ह आकाश पाताल के बीच लगने वाला कौन सा चिन्ह है, वही योजक चिन्ह है आकाश पाताल के बीच लगने वाला। चलिए आगे देखते हैं, नायिका उत्क्रीव रहकर दिन भर नायक का प्रतीक्षा करती रही, इसमें उत्क्रीव को सही बताना है, बताइए तो क्या हो जाएगा, उत्क्रीव नहीं होगा, उद्ग्रीव होगा, ठीक है, उद्ग्रीव, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ना, यानी बर्तनी है ये, ठीक है। जैसे अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अशुद्ध का बताइए कौन सा अशुद्ध है, प्रशंसा सही है, उपयुक्त सही है, संग्रह सही, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है, अधीन, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। संस्कृत संश्लिष्ट बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, संश्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, देखिए इसे मैं लिखती हूँ, संश्लिष्ट सा बनेगा, ठीक है, फिर बिंदी, फिर ये वाला सा तक सही है, और ये मात्रा ऐसे लगेगी, और ऐसे करके ऐसे ये लिखा जाता है संश्लिष्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मंदाकिनी की जलधारा अजस्वर रूप से प्रभावित हो रही थी, अजस्वर कैसे लिखा जाएगा, अजस्र होता है, अजस्र नहीं होता, अजस्र, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, वैसे गीता के महात्म, महात्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्म होता है ना कि महात्म होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, अभी अभी पूछा गया, उस दिन किस कौन सी प्रति उसमें पूछा गया, ठीक है। बर्तन की दृष्टि में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो कौन सा है शुद्ध, बस रचयिता होता है, तो रच यिता, रच और इता, ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, मानक वर्तनी के आधार पर बताइए, तो मृत्यु दंड तो सबको दिख रहा है कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, मृत्यु दंड तो सबको लिखना होता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए, बताइए शुद्ध कौन सा होगा, अभिराम कैसे लिखा जाएगा, अभिराम, तो अभिराम ऐसे लिखा जाए, अभिराम, ठीक
ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, अनुग्रहित और विवर्त। तो देखो अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाता आपका, है ना, शुद्ध शब्द पूछा, अनुग्रहित नीचे रा निकलता है, तो इसमें कौन सा सही है? विवर्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं आप लोगों के लिए संधि देखिए इस तरह से इसलिए लेके आई हूँ, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, देखिए निश्चेष्ट, निश्चेष्ट याद रखेंगे, जो ये ऐसे हो जाएगा निश्चेष्ट, विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। मनोयोग, मनहा प्लस योग, विसर्ग संधि। ठीक है, मन योग, मनोयोग यानी मनहा प्लस योग, याद रख लेना, ये पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, निर्भय, नी प्लस भय, ये इस तरह की कोई चीज थी, नी संधि ऐसी कोई थी, ठीक है ना, तो वो पूछी गई थी आपके द्वारा। निर्भय, नी प्लस भय, विसर्ग संधि। पुरस्कार, तो पुरह प्लस कार, विसर्ग संधि, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। पुरस्कार, पुरह प्लस कार, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण। नी प्लस अंतर, निरंतर, ठीक है, नी प्लस अंतर, निरंतर, गलत मत कर देना, नी अंतर मत कर देना, नी ही होगा, मतलब विसर्ग आएगा उस पर। मनोरथ, मनहा प्लस रथ, ये भी पूछी गई है शायद, है ना। धनुष्टकार, धनु प्लस टंकार, पुनर्जन्म, तो पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, रा इसी से हट जाएगा, विसर्ग हटेगा तो रा लग जाएगा। निष्कपट, नी प्लस कपट, ठीक है, निष्कपट। बहिष्कार, बही प्लस कार, विसर्ग संधि। दुराशा, दू प्लस आशा, दुराशा यानी कि विसर्ग संधि। रीति अनुसार, ये यानी संधि हो जाएगी, रीति प्लस अनुसार, ठीक है। बधूर्मी, तो बधु छोट, ठीक है, बधु बड़ी ऊ की मात्रा और बड़े ऊ का ऊ, दीर्घ संधि। सच्चा शास्त्र, सो सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ संधि, गुड़ संधि, क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यर संधि व आदि संधि। किस संधि के मूल है? तो स्वर संधि। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का सही बंधि, सही बंधिक्ष होता है उत प्लस चारण व्यंजन संधि, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। गौ प्लस चरती, गौस चरती, ठीक है, विसर्ग संधि। निर्धन में नी प्लस धन, उच्चवास में उत प्लस आवास, ठीक है, श्वास, उत प्लस श्वास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना ये संधि? बताइए संधि ऐसे समझ में आई या नहीं? आई ना, वेरी गुड, ठीक है। चलिए पवन का संधि विक्षेप होगा, पो प्लस अन, पवन का पो प्लस अन, अयादि संधि, ठीक है। स्वर संधि, रामायण में राम प्लस अयन, याद रखना रामायण को कैसे लिखेंगे? राम प्लस अयन, दीर्घ संधि। भूधर्व, भू ध्वर्व, ऊधर, वू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहलाता है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण का क्या होगा? अनु प्लस एषण, वे हट जाएगा। यर संधि, उड्डयन, क्या हो जाएगा? उत प्लस डयन, उड प्लस डयन। अभी का संधि विच्छेद क्या होगा? आ प्लस भिन्न, गुड़ संधि। श्रद्धानंद का सही विधि संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद, दीर्घ संधि। सदानंद का सत प्लस, बताइए, सत प्लस आनंद, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आयल, दीर्घ संधि। अभी प्लस उदय, अभ्युदय, यर संधि हो गया। महोत्सव क्या हो जाए? महा प्लस उत्सव, गुड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। मतै क्या हो जाएगा? मत प्लस एक वृद्धि संधि, अयादि संधि। नौ प्लस एक नाविक, नौ प्लस एक नाविक, अयादि संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्धरण, तदित्व, बागशाल। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि धातु प्लस उष्मा, दीर्घ संधि है। सूक्ति का संधि विच्छेद है सूक्ति, दीर्घ संधि। स्वर संधि का उदाहरण है अनु प्लस अयण संधि। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि, यण संधि हो जाएगा। तिरस्कार, तिही तिर प्लस कार, विसर्ग संधि है। पितृपरानुमति, पित्रानुमति, ठीक है। उच्छवास, उत प्लस वास, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण है सदा प्लस आचार यानी सत प्लस आचार। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, ठीक है। मनोहर में मन प्लस हर, मनोहर, वृंदी संधि। द्वादपि, तो द्वा प्लस अपि, द्वा प्लस अपि, अयादि संधि है। कौन सी संधि है? द्वा प्लस अपि, कौन सी संधि है? द्वापि, अयादि संधि। अत्यधिक, सबको पता है अत्यधिक में अति प्लस अधिक यानी कि यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि कौन सी है? विसर्ग संधि निरंतर, नी, ठीक है, प्लस अंतर, निरंतर, ठीक है। सरयूर्मी में कौन सी संधि है? सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी यानी कि आपकी दीर्घ संधि है। सर प्लस यूर्मी, दीर्घ संधि है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ए
एक बार इसमें से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, लास्ट टाइम पे देख लेना, अभी आपके 2 दिन हैं, 2 है ना, 27 ही हुई है, आप एक बार देख लोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि इनमें से ही हो सकता है इन्हीं में से कोई संधि विच्छेद पूछी जाए, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी इनमें आपकी, तो ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ताकि आप लोगों की इससे काफ़ी चीज़ें फंस जाएँ, ठीक है। अंतरात्मा अंतः प्लस आत्मा, ठीक है। फिर है कल्पांत, कल्प प्लस अंत दीर्घ संधि है कल्पांत में, ठीक है, कल्प प्लस अंत दीर्घ संधि है, ठीक है। अन्याय प्लस अन्य होता है अन्याय, दीर्घ संधि। विद्यालय, विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि, अन्य प्लस अन्य दीर्घ संधि। वीरोचित, वीर प्लस उचित गुण संधि, वीरोचित वीर प्लस उचित गुण संधि, ठीक है। इत्यादि, इति प्लस आदि, ये अण संधि। अन्वेषण अभिकर आदि, प्रत्यारोपण प्रति प्लस आरोपण, है ना, तो समझ में आ रहा है। व्याप्त, बी प्लस आप्त, ये अण संधि। व्याप्त में आप लोग सोचेंगे कौन सी संधि होगी इसमें, भगवद गीता, भगवत प्लस गीता व्यंजन संधि होगी। भगवत गीता में कौन सी संधि होगी, भगवत प्लस गीता व्यंजन संधि। अनंत, अन प्लस अंत अनंत, ठीक है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ठीक है। सज्जन, सत प्लस जन, तल्लीन तत् प्लस लीन, जगदीश जगत प्लस ईश, ठीक है। इस तरह से ये देख लीजिए एक बार स्क्रीन। हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र, विसर्ग संधि हो जाएगी हरिश्चंद्र में, ठीक है। दुष्प्लस प्रकृति, दुर्जन दू प्लस जन, देखिए इस तरह के वाक्य होते हैं जिसमें ऊपर रा निकल रहा है, बीच में आधा वैसा वाला शाह आ रहा है, तो उनमें क्या होते हैं विसर्ग संधि, जैसे दुष्कर तो इसमें दू प्लस कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, बताइए बताइए कौन सा होगा व्यंजन संधि का, बताइए आंसर दीजिए। तो देखिए बताइए, व्यंजन से अधि सत प्लस आचार सदाचार, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, अभी पढ़ी है ये सारी। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है भाई, तो यण संधि है, कौन सी संधि है, यण संधि है, अभी पढ़ा। मनोहर में कौन सी संधि है बताइए, तो विसर्ग संधि है, मना प्लस हर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वादपि में बताइए, द्व प्लस अपि, अभी पढ़ाई मैंने, द्व प्लस अपि, देखो क्वेश्चन एकदम से बन रहे हैं, द्व प्लस अपि द्वादपि, ठीक है, कौन सी संधि है बताइए, आंसर दीजिए। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अत्य प्लस बताइए, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कौन सी विसर्ग संधि है इसमें बताइए, तो कौन सी है, निरंतर, नी प्लस अंतर निरंतर, ठीक है। चलिए सरयू उर्मी, अभी कराई है, दीर्घ संधि है सरयू प्लस उर्मी, ठीक है, सरयू प्लस उर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्दर्शन बताइए, क्या तोड़ेंगे इसका, तो इसका क्या तोड़ेंगे बताइए, तो दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बारात का तत्सम रूप बताइए, बारात का तत्सम रूप बताइए, बारात का तत्सम रूप होता है बर यात्रा, बारात का तत्सम रूप क्या होगा, बर यात्रा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, बारात का तत्सम रूप बर यात्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंत का तत्सम रूप बताइए, बैंत का तत्सम, बैंत का तत्सम रूप क्या होगा, बेत्र, ठीक है, बैंत का तत्सम रूप बेत्र। चल जाइए, कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द इसमें तत्सम दिख रहा है, सांप बीड़ा चिन्ह विस्मय, तो कौन सा दिख रहा है, विस्मय, ठीक है, विस्मय कैसा दिख रहा है आपका, तत्सम, तत्सम शब्द का, इसमें भी तत्सम शब्द बताना है, तो बताइए कौन सा होगा, शेर व्याघ्र बब्बर से बाघ, ये तीनों तो तत्सम तत्सम है, व्याघ्र कैसा हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। सूरज का तत्सम शब्द क्या है, सूरज, तो सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा, सूर्य होगा, क्या हो जाएगा, सूर्य, ठीक है, सूरज का तत्सम हो जाएगा। चलिए एक शब्द तत्सम है बताइए कौन सा है, सपूत सांकल सांस, तो कौन सा हो जाएगा, सरीश्रव, कैसा हो जाएगा, सरीश्रव तत्सम, ऐसे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछ रहा है, देखिए ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है आपका, श्रृंगार, ये तद्भव है, श्रृंगार का बताइए किसका तद्भव है, तो ये श्रृंगार का तत्सम किसका है, चल क्यों नहीं होगी ये, हाँ ये किसका है, श्रृंगार, ठीक है, ये श्रृंगार का तद्भव क्या है, श्रृंगार, ठीक है, स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण कैसा शब्द है, तो स्वर्ण आपका तस्सम शब्द है, ठीक है, सोना इसका तद्भव होता है, सिंघाड़ा का तस्सम बताइए, सिंघाड़ा का तस्सम बताइए, श्रृंगार, सिंघाड़ा का तस्सम क्या होगा, श्रृंगार। चलिए आगे, साखी का मूल तस्सम रूप क्या है, साखी, साखी का मूल क्या हो जाता है, साक्षी हो जाता है, मिट्टी की जो छा होता है वो खा में बदल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एकल शब्द का तद्भव रूप बताइए। एकल, एकल का मतलब होता है अकेला, एकल का मतलब क्या होता है अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल का हो गया, एकल का तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए कौन सा तद्भव है। नासिक, तीक्ष्ण, पुत्र, ओखली, तो कौन सा, ओखली आपका तद्भव है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, कौन सा शब्द तद्भव है, तो कौन सा है बताइए इसमें, उलू, कूप, पुस्तक या ओझा। तद्भव पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आपका, ओझा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे, ओठ किस श्रेणी का शब्द है, ओठ कैसा शब्द है, ओठ कैसा शब्द है आपका, तद्भव शब्द है, ओठ, ओठ कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। चलिए, किंचित शब्द का तद्भव शब्द बताएं, किंचित, किंचित का मतलब होता है कुछ, किंचित का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है, किंचित का मतलब क्या होगा, कुछ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे तद्भव शब्द छाटी, बताइए तद्भव शब्द कौन सा होगा, कपूर, मयूर, पक्ष, मानसिक, तो कौन सा हो जाएगा भाई, कपूर, ठीक है, कपूर, ऑप्शन ए आंसर है इसका। चलिए, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए, कैवर्त, तो कैवर्त का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, केवट, केवट जो कैवर्त होता है उसको क्या बोलते हैं, केवट, ठीक है, केवट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है बताइए, कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, संकट, कौन सा है, कोयल, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब है पर्यायवाची, खेचर का पर्याय क्या होगा, खेचर बताइए, आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी, तो ये सभी किसके होंगे, खेचर का पर्यायवाची होंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या हो गया, खेचर के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे, खिड़की का पर्यायवाची कौन सा होगा, खिड़की, तो खिड़की का भी वातायन, बारी, दरीचा, ये तीनों क्या होंगे, खिड़की के पर्यायवाची, याद कर लेना, वातायन, बारी और दरीचा, वातायन, बारी और दरीचा, ठीक है, ये तीनों खिड़की के पर्यायवाची हैं। गंगा का पर्याय नहीं है पूछा है, गंगा का पर्याय नहीं है, बताइए क्या नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए, कौन सा नहीं है बताइए, भागीरथी, अवतरणी, सुरसरी, मंदाकिनी, तो कौन सा नहीं है भाई, अवतरणी, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी यही पूछा है, तो सरिता नहीं है, जाह्नवी, सुरसरी, देवपगा, तीनों है, ठीक है। चलिए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए घोड़ा अश्व भी होता है, घोटक भी होता है, और सैंधव नहीं भी होता है, नहीं पूछा है ना, तो यातुधान नहीं होता है, सैंधव भी होता है, ठीक है, कहते नहीं सैंधव, कौन सा एक घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची अयन, मयन, चयन, धरन, बताइए, तो क्या हो जाएगा, अयन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, चंद्रिका का पर्याय है, चंद्रिका, चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण, कौन सा है, कौमुदी, ऑप्शन सी आंसर है। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है बताइए, अटवी, कांतार, कांता, नकानन, कौन सा नहीं है जंगल का, कांता, कौन सा नहीं है, कांता। जाह्नवी शब्द का पर्याय है, जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या होता है, मंदाकिनी, जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या होता है, मंदाकिनी, याद रखेंगे। चलिए, समानार्थी नहीं है पूछा है, खड़क, करवाल, आसी, कुठार, तो कौन सा नहीं है, तलवार का कुठार नहीं है, बाकी खड़क भी है, करवाल भी है, आसी भी है, ठीक है, असी भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं आंसू कवि, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे भाई, विशेषज्ञ कहते हैं, क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है आपके एग्जाम में, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, बिना पलक झपकाए उसके लिए क्या हो जाएगा, निर्विमेश, निर्विमेश, बिना पलक झपकाए, ठीक है। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति क्या कहेंगे, रिक्त, क्या कहेंगे, रिक्त। चलिए, जिसकी आशा ना की गई हो किसे क्या कहेंगे, अप्रत्याशित, ठीक है, क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। चलिए आगे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे तो सबको पता है आस्तिक कहते हैं, जो इसमें, और जो नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं, कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी, क्या कहते हैं, मितभाषी। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए क्या कह सकते हैं, उसके लिए कहते हैं साध्य, जो सिद्ध और क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, उसे साध्य कहते हैं। चलिए आगे, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व घटना। पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या कहेंगे भाई, बताइए,
अनुगामी कहते हैं पीछे चलने वालों के लिए, ठीक है। जो जिसकी जिस स्त्री का कोई संतान पैदा ना हुई वो उसे सबको पता है बांझ कहते हैं, ठीक है, उसे बांझ कहते हैं। पैनी बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, पैनी बुद्धि वाले के लिए कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, जिसकी कुशाग्र बुद्धि हो, ठीक है। जो कठिनाई से समझ में आए उसे कहेंगे क्या कहेंगे, दुर्बोध। जो कठिनाई से बुद्धि में आए उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसका दमन कठिन ना हो, जिसका दमन कठिन ना हो उसको कहेंगे दुर्भगा, ठीक है। चलिए, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए कहते हैं महत्वाकांक्षी। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी। शिव की जटाओं को क्या कहते हैं, कपद्र, ठीक है, कपद्र, ठीक है, क्या कहेंगे, कपद्र, शिव की जटाओं को कपद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसाल शब्द का अर्थ है, भाई रसाल का अर्थ बताइए, रसाल शब्द का अर्थ क्या है। भाई सबको पता है रसाल का अर्थ क्या होता है, आम होता है। रसाल का अर्थ क्या होता है, आम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूढ़चेता। मूढ़चेता इसमें क्या अर्थ है इसका बताइए, दूसरों को मूर्ख बना, आलसी, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या मूर्ख, तो मूर्ख ही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं होगा इसमें, अंक संख्या भी होती है, गोद भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, प्रति भी नहीं होता, ठीक है, प्रति भी नहीं होता अंक का भाग। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पंच, पंच का अधिकार्थी क्या नहीं है, पाँच भी होता है, निर्णय करने वाला भी होता है, ग्राम सरपंच भी होता है, पंचानन नहीं होता, ठीक है। बताइए पंचानन किसको कहते हैं। निम्न शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, बताइए तेल किसका है, प्रणय, नीति, प्रीति, अनुराग या स्नेह, तो स्नेह का होता है तेल, ठीक है, स्नेह का क्या होता है, तेल, सॉरी स्क्रीनशॉट लिख गया गलती से, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द अगला, इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है, अगला तो किसका नहीं है, आगे, सामने का, आगामी, ये तो है, किसका नहीं है, दुविधा का नहीं है, ठीक। चलिए, गृह विहीन, बेघर के शब्द के अनेकार्थी हैं, तो किसके होंगे, ये अगह के होंगे, किसके होंगे, अगह के, ठीक है। चलिए, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं, पाप और पातक किसके हैं, ये अग के हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अग के, पाप और पातक, ठीक है, अग के अनेकार्थी हैं। चलिए आगे, भौरा कोयल सखी के शब्द के अनेकार्थी शब्द, ये आया था ना, देखो अली का, अली का क्या होता है, भौरा, अली और अली दो आए थे ना, ठीक है, तो किसके हैं, अली के हैं, समझ गए। चलिए, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये किसके हैं, अच्युत, ठीक है, अच्युत के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान ही है, स्त्रीलिंग पहचानना है आपको, बताइए कौन सा होगा, संसार, समुदाय, गौरव, अश्विनी। स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, मेरा संसार, अच्छा संसार, अच्छा समुदाय, अच्छा गौरव, अच्छी अश्विनी, अच्छा अश्विनी नहीं होता, अच्छी अश्विनी है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, अच्छा मालिक, अच्छा पाठक, या फिर अच्छी पाठक, अच्छा पाठक, अच्छा कहार, अच्छी योगिनी, अच्छा योगिनी नहीं होती, अच्छी योगिनी होती है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, यूपी पुलिस में ही पूछा गया, कमल का स्त्रीलिंग बताइए, तो कमल का स्त्रीलिंग होगा कमलिनी, ठीक है, कमलिनी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्विनी, तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्वनी, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचान ही है, तो क्या हो जाएगा, जुर्राव, अच्छी जुर्राव, अच्छा कुसीदादार, अच्छा पजामा, अच्छा घाघरा, अच्छी जुर्राव, ठीक है। चार विकोप में से शब्द स्त्रीलिंग बताना है, तो को अच्छी प्रकृति, अच्छा अध्यक्ष, अच्छा दुपट्टा, अच्छा महोदय, प्रकृति, ठीक है, समझ में आया कैसे पहचाना, अच्छा अच्छी लगा के। पुल्लिंग नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा, यमुना पुल्लिंग नहीं होगी, बाकी अच्छा हीरा है ना, अच्छा पीतल, अच्छा अस्त, अच्छा लड़कपन, ठीक है, ये सब आपका पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं, तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, ठीक है, सबको पता है हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के वचन होते हैं। शाखा शब्द का बहुवचन है, तो सबको पता है शाखाएं हो जाएगा, शाखाएं, ठीक है, ए लग जाता है। तिथि का क्या हो जाएगा, तिथियां, तिथियां हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, पाठक शब्द का पाठक गढ़ हो जाता है, कुछ शब्दों में गढ़ लगता है, कुछ में जन लगता है, ऐसे होता है। आप शब्द का बहुवचन क्या होगा, आप शब्द का आप लोग, ठीक है, लोग लग गया, देखिए है ना, इस तरह से। कौन सा है, इनमें से कौन सा नारी शब्द का बहुवचन है, तो नारी वृंद, नारी वृंद, इस तरह से कुछ शब्दों के होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका उपसर्ग, ठीक है, उच्चारण,
उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो आगे बढ़ते हैं उच्चारण, ठीक है। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा भाई बताइए, तो क्या हो जाएगा उत, क्या हो जाएगा उत, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है बताइए, किसमें हुआ है उपसर्ग का प्रयोग। निगहा, निबाला, निढाल, निशाचर, किसमें हुआ है उपसर्ग का प्रयोग, निढाल, किसमें हुआ है निढाल, ठीक है, किसमें हुआ है निढाल, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है, कु उपसर्ग नहीं है पूछा, कुरूप, कुकर्म, कुचाल या कुशल, तो किसमें नहीं है। देखिए जिन अलग करके पता चल जाता है, कुचाल हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, कुकर्म अलग हो जाएगा, लेकिन कुशल, कुशल अगर अलग नहीं होगा तो ऑप्शन बी में नहीं है, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द में एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये भी वही है, कुलीन में नहीं हुआ, बाकी सब में हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग नहीं है वही किसमें नहीं है, मिलान, अधर्म, सुपुत्र, सुकर्म, तो मिलान में नहीं है, ठीक है। ये पूरा शब्द है, तोड़ के इसके टुकड़े नहीं होंगे। स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो स्वयं प्लस वर, स्वयंवर, ठीक है। अनंग में कौन सा उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग है, अन प्लस नंग, ठीक है, अनंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो रस पूछे जा रहे हैं, रसों के भाव, तो बताइए, चलिए बताइए श्रृंगार रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। देखिए मैं ये वाले क्वेश्चन इसलिए लाई हूँ ताकि सारे आपके क्लियर हो जाए। बताइए तो श्रृंगार का क्या होता है, रति या प्रेम, अद्भुत का क्या होता है, विस्मय, शांत का क्या होता है, निर्वेद, वीर का क्या होता है, उत्साह, यही तो होते हैं। तो चार क्लियर हो गए ना आपके चारों, श्रृंगार का रति या फिर प्रेम होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है और वीर का उत्साह होता है, ये क्लियर हो गए ना आप लोगों के, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा सी है, देखिए ए का 4, बी का 3, है ना, बी का 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अद्भुत का, अभी मैंने बता ही दिया आप लोगों को, अद्भुत का कौन सा हो जाएगा, अद्भुत का कौन सा होगा बताइए, अद्भुत का कौन सा होगा बताइए आप लोग, ये कौन सा किसका होगा बताइए, बताइए। तो अद्भुत रस का तो विस्मय हो जाएगा, वीर रस का उत्साह हो जाएगा, रौद रस का क्रोध हो जाएगा, कर्ण रस का शोक हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही हो गए आपके काफी क्लियर हो गए इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशभक्ति में कौन सा समास है बताइए, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देश के लिए भक्ति यानी कि तत्पुरुष समास है देशभक्ति में, ठीक है, तत्पुरुष समास, गंगा तट, ठीक है। तो ये भी इसमें भी आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, समास तो आपको पता ही होंगे, वाचस्पति इसमें कौन सा समास है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें अलग तत्पुरुष है तत्पुरुष ही लेकिन अलग तत्पुरुष है, ठीक है। मुंबई में, मुंबई में गगन चुंबी इमारतें बहुत है, बताइए गगन चुंबी में कौन सा होगा, तो गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, इसमें भी कौन सा हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा, तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है बताइए, कौन सा है, कौन से में समास है, तो किसमें है, शास्त्र प्रवीण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बैक हो गया ये, तो हो गया शास्त्र प्रवीण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, मधमाता में कौन सा समास है, मधमाता बताइए कौन सा समास है, मधमाता, तो इसमें भी कौन सा समास है आपका, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है, कौन सा, तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका मृगनयन में समास बताइए, मृगनयन, तो मृगनयन में कौन सा समास होगा बताइए, तो मृगनयन में कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय पूछा है, राजकुमार, कला श्रेष्ठ, गृह प्रवेश, बताइए कौन सा होगा, किसमें हो जाएगा, पीतांबर, किसमें हो जाएगा, पीतांबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये थे आपके, एक सेकेंड, तो ये थे आपके कुछ
तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके एग्जामों में और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 30-31 वालों के लिए। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। संधि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आप लोगों के लिए आएगी तो उसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।